हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन टी ए यू जिस इन एट पेपर वन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड करंट अफेयर्स की सीरीज में ये है हमारा लेक्चर नंबर एटीन एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेवनटीन लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर उन लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्ले का लिंक मिल जाएगा आपको करना क्या है उस लिंक पे क्लिक करना है एंड वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग एक्सेस कर सकते हो इसी के साथ डेली हमारी छह बजे करंट अफेयर की क्लास होती है आप लोग जरूर उन क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक की हर एक करंट अफेयर की यहाँ पे आपको मिलती है इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यू जी नेट पेपर वन में सिर्फ तीन यूनिट्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं अब कई स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड या लेटेस्ट क्या मतलब कि कोई वॉर हुई है उससे रिलेटेड दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स में यू नेट में सिर्फ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवॉर्मेंट यानी कि एनवाइट से रिलेटेड जो नेचुरल हैं आजकल जो पॉल्यूशन या साइकलॉन्स आए हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हायर एजुकेशन यूनिट यानी कि हमारी एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से नए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं क्या क्या स्कीम्स लाई है इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग नहीं पता तो हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिए आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर

इसी के साथ यू जी नेट पेपर वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग पेपर होता है इस कम समय में आपके गारंटिड क्वेश्चंस के साथ इसके रिवीजन हो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है क्विक रिवीजन पीडीएफ इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे टू थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बता दूँ गारंटिड क्वेश्चन हैं बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन हैं जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी ऐड किया है साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स हैं

आसानी साइक्लोन हिट द ओडिशा कोस्ट इट इज़ नेम्ड बाय विच कंट्री सो यहाँ पे एक साइक्लोन की बात की गई है जो कि ओडिशा के कोस्ट में आया है कुछ समय पहले ही आपने न्यूज़ में भी सुना होगा सो so, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वो कंट्री है जिसने इसका नाम आसानी रखा हुआ है ठीक है so, सो यहाँ पे आंसर आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है सो so, राइट आंसर क्या है श्रीलंका ठीक है सो ये so, बहुत ही इजी बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज आई एम डी हैज़ प्रिडिक्टेड द फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन असानी इन द बे ऑफ बंगाल एंड साइक्लोन असानी इज ब्रूइंग इन द साउदर्न अंदमान सी सो so, इसका ये है मेजर कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए एंड इसको श्रीलंका ने नाम दिया है एंड इट इज़ ऑन कोर्स टू बिकम अ शॉर्ट लिव्ड साइक्लोन एंड विल मेक लैंडफॉल बिटवीन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड भुवनेश्वर इन उड़ीसा सो so, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ पर रहेगा ये विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है एंड भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोंकी पॉक्स सो मोंकी पॉक्स जो है वो किस इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इट इज़ अ वायरल जोनॉटिक डिजीज इट इज एंडेमिक टू कॉन्गो सो जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं जूनोटिक डिजीजेस का मतलब होता है वो बीमारियां जो कि एनिमल से ह्यूमंस पे जाती है यानी कि जानवरों से इंसानों पे लग सकती है वो होते हैं जुनोटिक डिज़ीज़ तो क्या एक मोंकी पॉक्स जानवर से इंसानों पे लगने वाली चीज़ है दूसरा बोला है इट इज़ एंडमिक टू कॉन्गो यानी कि कॉन्गो से रिलेटेड है तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शंस आर ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ दी अप अप सो इसका राइट right आंसर है ओनली वन यानी कि ये जूनोटिक डिजीज है इसके नाम से आप पता कर सकते हो जैसे चिकन पॉक्स होते हैं वो भी वैसे ही है वैसे ही मोंकी पॉक्स है ठीक है एंड इसमें कॉन्गो बोला गया है कि इट इज़ एंडेमिक टू कॉन्गो सो यहाँ पे कॉन्गो नहीं होगा यहाँ पे होता है नाइजीरिया इट इज एंडमिक टू नाइजीरिया ये चीज आपको याद रखनी है इसके साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि इट इज कॉज बाय मॉन्कीपॉक्स वायरस जो कि एक मेंबर है एक फैमिली यानी कि एक जैसे वायरस होता है ना वो फैलता जाता है जानवरों में एक वायरस है वो भी ह्यूमंस में आने लग गया है ठीक है एंड द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस रिमेंस अनडिफाइंड बट द डिज़ीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मेनी एनिमल्स सो बहुत से एनिमल्स में ये चीज़ें अब पाई गई हैं जैसे कि चूहे हैं चूहिया है गिलहरी है डॉग्स हैं रैबिट्स हैं ये सब जानवरों में अब ये मॉकी पॉक्स जो है वो पाया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव जिसको कि एन एफ एच एस बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ टू पॉइंट वन ठीक है सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एन एफ एच एस से रिलेटेड सो so, कौन से स्टेट हैं जो कि दैट हैव सम अबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी सो मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा या फिर झारखंड सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ झारखंड ठीक है सो एन एफ एच एस फाइव को गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था एंड इसमें इंडिया के सिर्फ फाइव स्टेट्स अवेलेबल हैं ठीक है सिर्फ और सिर्फ फाइव स्टेट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि एक है बिहार एक है मेघालय एक है उत्तर प्रदेश एक है झारखंड राइट right? सो so, यहाँ पे पूछा गया है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ 2.1 सो इस नाम को आप लोगों ने याद रख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर टू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो फिर भी इसकी फाइनल रिवीजन एंड क्विक रिवीजन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं युद्ध सीनेट पेपर टू का कंप्लीट स्टडी मेटीरियल इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स तो मिलते ही हैं साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी मिलते हैं सो so ये आपकी प्रेपरेशन में भी एंड आपकी फाइनल रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा सो so आपके सामने जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको देख रहे हो उसमें से जो भी अगर आपका पेपर टू का सब्जेक्ट है आप उसका स्टडी मटेरियल ले लीजिए इसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है इस पर व्हाट्सअप की हेल्प से कांटेक्ट करना होगा सो so जैसे ही कॉन्टेक्ट करते हो आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो एक बार डाउनलोड करके अगर रख लोगे एंड मैं बता दूं ये स्टडी मटेरियल यू जिसनेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में तो आपकी हेल्प करेगा ही इसके साथ ही इसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम दट इज़ जी पी एस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन टू लैंड सो ये जो गगन स्कीम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में काउंट कर लो इसकी फुल फॉर्म है जी पी एस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सो so, इसको कौन सी वो फर्स्ट एयरलाइन है जिसने इसको जो है जो फर्स्ट एयरलाइन बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो विस्तारा स्पाइस जेट सो राइट आंसर क्या है हमारे पास राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज़ इंडिगो सो इंडिगो हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ दिस गगन स्कीम टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट राइट द फ्लाइट हैज़ कंडक्टेड यूजिंग एन ए टी आर ए टी टू एयरक्राफ्ट एंड लैंडेड एट द किशनगढ़ एयरपोर्ट जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन एनवायरमेंट एनवाइ असेंबली सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली से रिलेटेड स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट uh, है ठीक है सो पहली स्टेटमेंट में इधर बोला गया है

इसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये यू एन एनवेंट असेंबली से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट सो आई होप ये फाइव क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं आप इनको समझ चुके हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से इस वीडियो को आप लोगों देख लीजिए हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट